वेलकम टू वाबी साबी। मेथी दाने की ताकत को तो आयुर्वेद भी मान चुका है। ये छोटे छोटे से पीले रंग के बीज इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये कई तरह के रोगों से राहत दिला सकते हैं। लेकिन इनके फायदे सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होते, बल्कि ये बालों में भी नई जान डाल सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस्तेमाल कैसे करना है। इसी से जुड़े हम कुछ तरीके बताने जा रहे हैं जो आपको हेयर फॉल से छुटकारा दिलाकर घने और मोटे बाल पाने में मदद कर सकते हैं। इनके लगातार इस्तेमाल से आपके बालों में ऐसी चमक और धमक आ जाएगी कि देखने वाले भी इसका राज पूछने लगेंगे। मेथी दाने में आयरन और प्रोटीन होता है। ये दोनों ही बालों के लिए बहुत जरूरी है। यही वजह है कि ये मेथी दाना बालों से जुड़ी कई समस्याओं जैसे हेयर फॉल, डैंड्रफ, रुके बेजान बाल आदि से छुटकारा दिला सकते हैं। मेथी दाना इस्तेमाल कैसे करें आइए जानते हैं। सबसे पहले 2 चम्मच मेथी दाने को रात भर के लिए पानी में भिगोकर रखें। सुबह मेथी दाना पीस लें। मेथी भिगोने के बाद ज्यादा हो जाती है, जिन्हें पीसना आसान होता है। इस पेस्ट को बालों की जड़ों पर लगाकर छोड़ दें और करीब आधे घंटे बाद बालों को धो लें। इससे बालों में काफी शाइन और स्मूथ दिखने लगेंगे। वैसे आप चाहे तो शैम्पू कर सकते हैं। अगर आप डैंड्रफ से परेशान हैं तो यह उपाय जरूर करें। बालों में मेथी के पेस्ट में नींबू का रस मिलाकर बालों में लगाएं। 1 सप्ताह में कम से कम 2 बार इस पेस्ट को इस्तेमाल करें। इसे लगाने से डैंड्रफ की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आपको बालों में नेचुरल शाइन चाहिए तो यह जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल रुखे और बेजान से दिखते हैं तो मेथी के दाने का पेस्ट बनाकर उसमें नारियल का तेल मिलाकर लगाइए। इस पेस्ट को लगाकर करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर बालों को शैम्पू से धो लें। ऐसा करने से बाल कुछ ही दिनों में नेचुरली शाइन करने लगेंगे।